और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर से जहां नाव हादसे में 3 शव बरामद हुए हैं, पिंटू, अजमत, शमसूल के शव निकाले गए हैं। नाव हादसे में 9 लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। तो 9 लोग लापता और इसके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ था। कल ही आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में ये दर्दनाक हादसा हुआ था। मैं बीतता जा रहा है बेनीबाद के मधुरपट्टी के ग्रामीणों की उम्मीदें समाप्त होती जा रही है। कल देर रात तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ शवों की खोज करती रही, लेकिन अंधेरा होने के कारण उनका सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा और आज अहले सुबह दोनों ही टीमों ने अपना कार्य शुरू कर दिया। एक एक कर अभी तक 3 शव निकाले जा चुके हैं और जैसे जैसे शवों का मिलना शुरू हो गया है, ग्रामीणों की उम्मीदें बिल्कुल ही समाप्त हो गई हैं। अब वो तमाम परिवार जिनके परिवार से कोई ना कोई गुमशुदा है, वो अपने परिजनों के जिंदा होने की उम्मीद खो चुके हैं और उनकी जो नज़रें हैं वो लगातार टिकी हुई हैं, वो लगातार एक बोट की ओर, एनडीआरएफ के बोट की ओर, एसडीआरएफ के बोट की ओर या अन्य जो निजी बोट चल रहे हैं, जो खोजबीन में लगे हुए हैं सबों की, उसकी ओर टकटकी लगाए देखे हैं कि पता नहीं कब किधर से किसके परिजन का सब बरामद हो जाए। फिलहाल जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। प्रशासन का आना जाना लगा हुआ है और नेताओं की भी भीड़ ग्रामीण इलाकों में